तो आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर और एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में। आपने कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में सुना होगा और आप में एक इंटरेस्ट भी जागा होगा इस एक्सपीरियंस को करने का। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एस्ट्रल प्रोजेक्शन के फायदे और नुकसान और इसे करने की टेक्निक जानेंगे। बेसिकली एस्ट्रल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर इसे अपने से अलग जान पाते हैं और इस ब्रह्मांड में अलग आयामों की सैर कर सकते हैं। आमतौर पर हम सभी लोग एस्ट्रल ट्रेवल जैसा एक्सपीरियंस अक्सर करते हैं और एक अलग आयाम में घूमते भी हैं, जिसे आप सपनों की दुनिया कहते हैं। सपनों की दुनिया भी एक अलग डायमेंशन है जो आपके जागने के बाद आपको झूठ लगती है और आप नींद से जागने के बाद यही जानते हैं कि अरे ये तो सपना था, यानी ये झूठ था। अब वह झूठ तो था, परंतु कुछ समय के लिए वह आपके लिए सत्य था। आपने नींद से जागने के बाद, सपने से बाहर आने के बाद जाना कि जो कुछ आपने सपने में अनुभव किया वह सब कुछ झूठ था। लेकिन जब तक आप उस एक्सपीरियंस में थे, उस डायमेंशन में थे, तब तक आपके लिए वही सत्य था और ये दुनिया जो आपके लिए अभी सत्य लग रही है, ये उस समय वहां एग्जिस्ट नहीं करती थी। सपनों की दुनिया का अनुभव करने में और एस्ट्रल ट्रेवल करने में केवल इतना फर्क है कि जब आप अपने सपनों में होते हैं तो वह आपके लिए आधा सत्य होता है। यानी आपका अस्तित्व जो इस दुनिया में है, आपका जो नाम है, जो शरीर है, वो कई बार आपके सपने में वैसा नहीं होता और आपको अपने असल अस्तित्व का बोध भी नहीं होता। सपनों में केवल आपको इतना ही बोध होता है कि जिस सपने में आप जो अनुभव कर रहे हैं केवल वही आपके लिए सत्य है। परंतु एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आप जो भी अनुभव करते हैं वह होश पूर्वक करते हैं। आपको अपनी इस दुनिया का भी पता होता है, इस शरीर का भी पता होता है, और जो आप दूसरे डायमेंशन में सैर कर रहे होते हैं आपको उसका भी पता होता है। तो कुल मिलाकर एस्ट्रल ट्रेवल में आपको होश होता है। असल में आध्यात्म की यात्रा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सच्चाई आपके बिलीफ पर डिपेंड करती है। जैसे आपका एक सॉलिड बिलीफ इस भौतिक संसार के बारे में है, इस भौतिक शरीर के बारे में है, तो ये आपका सॉलिड बिलीफ आपको इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस देता है। यानी शरीर और शरीर की इंद्रियों की अपनी एक सीमा है, इससे लिमिटेड एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आपका अनुभव कुछ अलग तरह से होता है। हमारे इस जगत में जो समय है वहां ऐसा समय नहीं होता, वहां समय की लिमिटेशन नहीं है। दूसरा, दूरी। वहां कुछ लोगों के हिसाब से दूरी की भी बाउंडेशन नहीं है। यानी ये आपकी आध्यात्मिक गति पर डिपेंड करता है कि आपकी आध्यात्मिक गति कितनी हुई है, उसी के अनुसार आप इस लोक से दूसरे लोकों में जा सकते हैं। यानी इस डायमेंशन से कुछ अलग डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों और सेकंड्स में। क्योंकि मैंने कहा ना, वह समय और दूरी हमारे इस लोक की तरह नहीं है। इस लोक में आपका शरीर समय और दूरी से बंधा हुआ है, तो आपका शरीर भी इस पृथ्वी लोक के नियमों के अनुसार काम करता है। ये समय के साथ साथ बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। आप डिस्टेंस यानी दूरी या नजदीक का भी अनुभव करते हैं। तो आप इस शरीर और इस जगत के लॉ से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर की सूक्ष्म संभावनाओं को जान पाते हैं, अपने भीतर मौजूद सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म इंद्रियों को जागृत कर पाते हैं, वैसे ही आप इस जगत के पार के यानी अन्य लोकों के अनुभव कर पाते हैं। यहाँ केवल 1, 2, 10, 12 लोक नहीं है, यहाँ अनंतो लोक हैं। जिन महापुरुषों ने जिन लोकों का अनुभव किया या वो जिन लोकों में गए, उन्होंने अपने हिसाब से उन लोकों की व्याख्या कर दी। लेकिन जहाँ का अनुभव आपने किया ही नहीं, जहाँ आप गए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोग एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। क्योंकि यहाँ लिमिटेड संभावनाएं नहीं है, यहाँ अनंतो संभावनाएं हैं। और इतना ही नहीं, हमारे इस लोक का यानी पृथ्वी का वातावरण जो है, उसी हिसाब से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और वहीं अन्य लोकों में वहां के वातावरण के हिसाब से उनकी अपनी रूपरेखा है। आप जो वेद पुराण और उपनिषद में पढ़ते हैं, भूत प्रेत देवी देवता इन सभी का अस्तित्व अवश्य है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है। हमारा ये भौतिक शरीर पृथ्वी के वातावरण के अनुसार निर्मित हुआ है। हमारी ये फिजिकल बॉडी और इसमें मौजूद ऑर्गन्स, इनमें बीमारियां भी होती हैं और कुछ बीमारियों को ठीक भी किया जा सकता है। परंतु अन्य लोकों में जो जीवन होगा वो यहाँ के जीवन की तरह नहीं होगा और ना ही यहाँ की तरह बीमारियां एग्जिस्ट करती होंगी। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब तक उसे अगला जन्म ना मिले वो इसी लोक में रहता है। और उसका एक कारण यह भी है कि उस व्यक्ति ने इसी लोक के अनुभव किए हैं, वो अपने इन्हीं अनुभवों को सत्य मानता था,
और इन्हीं अनुभवों से अटैच था, इसलिए उसकी इच्छाएं उसे इसी लोक में रखती हैं। लेकिन जब कोई ज्ञानी मरता है तो वह अपने शरीर में रहते हुए शरीर के पार के अनुभव पहले ही कर लेता है। उसका होश और उसका बोध उसकी साधना के दौरान बना रहता है, जिससे कि वह और डायमेंशंस के अनुभव पहले ही कर लेता है। और जब एक साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसे इस लोक इस जगत की इच्छाएं नहीं रहती, वह इस लोक की इच्छाओं से मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए ऐसा सिद्ध पुरुष कई बार अन्य लोकों में जन्म ले लेता है। तो आपका सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है? असल में आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर की फोटोकॉपी है, यह बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में केवल इतना फर्क होता है कि आपका यह स्थूल शरीर हड्डी मांस मज्जा से बना है, और आपका सूक्ष्म शरीर तरंगों से बना होता है, वाइब्रेशन से बना होता है। और आप अपने इस शरीर को देख पाते हैं लेकिन उस शरीर को नहीं देख पाते। तो जब कोई व्यक्ति एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है या अपने स्थूल शरीर से बाहर आता है, तब वह केवल अपने शरीर को महसूस कर पाता है, उसे देख नहीं पाता है। क्योंकि सामान्यतः आपने अब तक जो भी देखने के अनुभव किए हैं, वो स्थूल चीजों को देखने के अनुभव किए हैं, वो भी अपनी इन भौतिक आंखों से। परंतु इन भौतिक आंखों से आप अपने सूक्ष्म शरीर को नहीं देख सकते, बस उसको आपको केवल एक एहसास होगा, एक अनुभव। आपकी एस्ट्रल बॉडी के लिए यानी सूक्ष्म शरीर के लिए दीवारें और छत बाधा नहीं बनती, आप उनके पार जा सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो इच्छा के और दूसरा बिना इच्छा के। बिना इच्छा के ये कई बार अपने आप ही हो जाता है, जैसे आप नींद में हैं और सो रहे हैं और आप अपने शरीर से निकलते हैं, कहीं घूमते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सपना देख रहे हैं। परंतु सपने के दौरान ही आपको एक होश आ जाता है और आपको पता लग जाता है कि आप सपना देख रहे हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों के साथ यह अनुभव इतना क्लियर हो जाता है कि वह जान पाता है कि वह सपना देख रहा है, वह ये भी जान पाता है कि उसका शरीर सो रहा है, और ये घटना उसके साथ में कोइंसिडेंटली हो जाती है। और दूसरा एस्ट्रल ट्रैवल होता है जिसे आप अपने प्रयास से करते हैं, जिसके लिए कोई साधना करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं। आपने शायद सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि कुछ लोगों के साथ में नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसमें कि वो लगभग मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, लगभग वो शरीर छोड़ चुके होते हैं और अचानक से वह वापस आ जाते हैं। ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस किताबों में लिखे गए हैं, और सभी लोगों के एक्सपीरियंस को मिलाया जाए तो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी भी है। वो सभी लगभग ये बात ज़रूर बताते हैं कि वो बहुत तेज़ी से एक सुरंग में जा रहे थे, उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रैवल जैसा ही है। कई बार आपको ये भी आभास होता है कि आप किसी नई जगह गए और वहां जाकर आपको ऐसा लगता है कि यहां मैं पहले भी आ चुका हूं। कभी किसी व्यक्ति को देख के आपको लगता है कि शायद मैंने पहले इसे कहीं देखा है, लेकिन आप उसे ठीक से याद नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि ये साइन भी वही हो जिसमें कि आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया हो और वो चीज आपको पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे जानता है, तो आपको उस अनुभव का वो हल्का हल्का आभास देता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के क्या फायदे होते हैं। तो इससे आपका सबसे पहला फायदा जो होगा वो ये होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप शरीर के अलावा भी कुछ हो। इस शरीर में ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में आपको अभी नहीं पता, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बाद आप इसे जान पाओगे। दूसरा, एस्ट्रल ट्रैवल के बाद आप ये जान पाओगे कि कोई मरता नहीं है, मरने जैसा कुछ नहीं होता। इस शरीर की एक्सपायरी आ जाती है, ये रहने लायक नहीं रहता इसलिए ये गिर जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं मरता। और इसे समझना बहुत सिंपल है। जब आप अपने शरीर के बाहर निकलते हैं और अपने ही शरीर को बेड पर पड़ा हुआ देखते हैं, उसे सोता हुआ देखते हैं, तो वह आपके लिए मर तो उसी समय गया है, परंतु आप फिर भी जिंदा हो। लेकिन हाँ, याद रखना कि इतना अनुभव होने के बाद आपको कोई आत्मज्ञान नहीं होगा। इस अनुभव के बाद आप केवल अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचेंगे, इसके बाद भी और शरीर हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के बाद आपको अगला फायदा जो होगा वो होगा आपकी मृत्यु को लेकर। यानी हर व्यक्ति को सबसे अंतिम डर जो लगता है वो उसे मृत्यु का डर लगता है, कोई मरना नहीं चाहता। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका समय नजदीक आता जाता है, आपकी जीने की इच्छा उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। तो जब आप सूक्ष्म शरीर का अनुभव करेंगे, उसके बाद आपके भीतर से मृत्यु का डर बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि वह यह नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद वह कहां जाएगा, कहीं वो नरक तो नहीं चला जाएगा,
जहां उसे बहुत सारी पीड़ाएं भोगनी होंगी, या वो कहीं भूत तो नहीं बन जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह जान जाता है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा और मृत्यु के पश्चात का ज्ञान उसे हो जाता है, तब उसके लिए मृत्यु जैसा कुछ नहीं रहता। अगला फायदा आपको ये होगा कि आपके लिए ये संसार स्वप्न नजर आने लगेगा और आपकी आध्यात्मिक गति बहुत तेज हो जाएगी। यानी इस भौतिक संसार में जितनी भी जानकारी है, आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, वह आपके लिए सिमट जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। आपको अपने भीतर और गहरा उतरने में मजा आएगा, क्योंकि आप अपने भीतर ऐसी दुनिया का अनुभव कर चुके होंगे जो इस दुनिया से लाख गुना अच्छी है, काफी रोमांचक है और जानने के लिए वहां बहुत कुछ है। अगला फायदा आपको ये होगा कि आप सूक्ष्म जगत के लोगों से संपर्क कर पाएंगे, जो आप अक्सर किस्से कहानियों में सुनते हैं, देवताओं के बारे में, एंजल्स के बारे में। ये सामान्यतः कभी कभी हमारी सहायता करते ही हैं, लेकिन जब आप इनसे संपर्क बना पाएंगे तो आप उनसे अधिक सहायता ले पाएंगे। एस्ट्रल ट्रेवल के बाद आपको अगला फायदा जो होगा वो ये होगा कि आप इस संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। असल में आप अपने शरीर के माध्यम से ही संसार की सभी चिंताओं को पकड़ते हैं। कई बार आपके शरीर में रोग आ जाते हैं, तब आप चिंतित हो जाते हैं। अगर आपको कोई फेलियर हो जाता है, तब आप तनाव में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर के अनुभव अगला फायदा आपको ये हो सकता है कि आपको कुछ सिद्धियां मिल जाएं, जैसे कुछ साइकिक पावर। आप आसानी से टेलीपैथी भी कर पाएंगे और इन शक्तियों से आप समाज को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो ये तो थे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बाद सभी फायदे। अब बात कर लेते हैं कुछ नुकसान की। तो जब भी आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए किसी प्रकार की साधना करते हैं, तो आपको इस साधना के दौरान एक्साइटेड होकर लोगों को नहीं बताना है। अपनी किसी भी साधना को लेकर आपको ये चीजें सीक्रेट रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस भी स्थान पर यह साधना करेंगे या मेडिटेशन करेंगे, वहां किसी और व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात एस्ट्रल प्रोजेक्शन की साधना की नहीं है, बल्कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हो, उस समय कोई भी व्यक्ति आपके आसपास नहीं होना चाहिए, खासकर वो जिसे इस बारे में ज्ञान ना हो। आप तक किसी का स्पर्श भी नहीं पहुंचना चाहिए, कोई आपको टच ना करे। इससे आपकी ध्यान की एनर्जी आपको टच करने वाले व्यक्ति के जरिए बाहर निकल जाएगी। और अगली सावधानी, साधना के दौरान आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। सादा खाना खाना है और बहुत अधिक भोजन नहीं करना है। नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, यानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा आपकी बुद्धि को हीन करता है, तो अपने प्रति थोड़ी शुद्धता बनाए रखें। दूसरी बात, कई लोगों के मन में एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में एक डर होता है कि जब उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस ही ना आए। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है और वो वापस ही ना आए। आपको ये एक्सपीरियंस करते समय बड़ा आनंद आएगा और इस आनंद के दौरान ही आपकी आंख खुल जाएगी। तब अगर उसके बाद आपके मन में इच्छा उठती है कि इस एक्सपीरियंस को मुझे दोबारा करना है, फिर ये एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन एक साधक जब बिना किसी इच्छा के साधना में लगा रहता है, तब उसको ये अनुभव बार बार होता है, कई बार होता है, और वो बार बार अपने शरीर में वापस भी आता है। जब आपका सूक्ष्म शरीर आपकी फिजिकल बॉडी से निकलता है, तो आपकी ये फिजिकल बॉडी सामान्य रूप से काम करती रहती है। बस आपका ये शरीर सामान्य से थोड़ा अधिक रिलैक्स मोड पर चला जाता है और ये शरीर अपनी रक्षा स्वयं करता है। हाँ, केवल इतना हो सकता है कि आपकी सांसें सामान्य से कम हो जाएं, थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाए, आपका शरीर अपनी सुरक्षा स्वयं करने लगता है। कुछ पल के लिए आपका नियंत्रण आपके शरीर पर नहीं रहता, क्योंकि आप शरीर के बाहर होते हैं। उस वक्त तक आपका शरीर आपसे कंट्रोल ले लेता है और वो उसे सुरक्षित रखता है। असल में आपका और आपके शरीर के साथ जो संबंध है, वो काफी पुराना है, जन्मों जन्मों से है। तो आपका शरीर एक समय सीमा के बाद सूक्ष्म शरीर को वापस बुला ही लेगा। हाँ, एक नुकसान हो सकता है, जब आपका सूक्ष्म शरीर आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर होता है, तो ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी इस बॉडी से निकला हुआ है तो कोई दूसरी आत्मा इस पर कब्जा ना कर ले। हाँ, यहाँ थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से बाहर निकला हुआ है। अब आपका सूक्ष्म शरीर एक आत्माओं की फ्रिक्वेंसी में है और हमारे इस लोक में ऐसी बहुत सी अशरीरी आत्माएं मौजूद हैं जो अपनी इच्छा और वासनाओं को भोगना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें शरीर चाहिए, बट उनके पास शरीर नहीं है। और ऐसे कुछ केस भी सामने आए हैं जब कुछ लोगों के साथ जाने अनजाने उनकी एस्ट्रल बॉडी उनके शरीर से निकल गई हो और उन्हें बाद में ऐसा एहसास होता है
कि उनके शरीर को किसी ने इस्तेमाल किया है या उनके साथ सेक्स किया है, क्योंकि हर एक सामान्य व्यक्ति की सभी वासनाओं में से सबसे बड़ी वासना होती है काम वासना। व्यक्ति अंत तक, मरते दम तक इससे मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कई स्त्रियों से ऐसा सुना है जिनके साथ में इस तरह का अनुभव हुआ हो या ऐसी घटना हुई हो, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस में होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेकर आपके साथ ऐसा करता है तो एक बात अलग है, लेकिन साधना के दौरान अगर ऐसा अनुभव होता है तो मैंने कहा था कि आपका शरीर अपनी सुरक्षा खुद करता है। जैसे ही उसे इस प्रकार का आवास होता है कि कोई आत्मा उसके शरीर में घुसना चाहती है, तो आपका स्थूल शरीर आपके सूक्ष्म शरीर से तुरंत संपर्क करता है और उसे वापस बुला लेता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी हिम्मत चाहिए और ईश्वर पर पूरी तरह से समर्पण, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा होगी तभी आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। और जब आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा होगा तब ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करेगा। और हाँ, अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, यानी जब आपका सूक्ष्म शरीर आपकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो सूक्ष्म शरीर निकलता है ना कि आत्मा। और वह सूक्ष्म शरीर भी आपकी फिजिकल बॉडी से एक सूक्ष्म सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो अब मैं बात करता हूँ उसकी टेक्निक, इसकी विधि की, इसका क्या तरीका है कि आप भी अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर पाएं, एस्ट्रल ट्रैवल कर पाएं। हालांकि इस बारे में मैं अक्सर बोलने से बचता हूँ, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत से ईमेल आते हैं कि इसका कोई तरीका, कोई टेक्निक बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक स्थिर मन, यानी जब भी आप सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करें तो आपका मन शांत होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने का लालच, उसके विचार, ये आपको अक्सर घेर लेते हैं। तो आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। और अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। आप मेडिटेशन करें, धीरे धीरे मन शांत होता चला जाएगा। मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए उसे तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो है प्राण शक्ति। अभी आपके शरीर में जितनी प्राण ऊर्जा है वो केवल भौतिक जगत के अनुभव लेने तक के लिए है। जितनी जरूरत इस फिजिकल बॉडी को होती है केवल उतनी है। लेकिन जब आप अशरीरी अनुभव करते हैं और सूक्ष्म जगत के अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो आपको सांसों के रहस्य में मिल जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम आपको भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा देता है। एक जरूरी बात, आपको इस विधि को कब करना है? इस विधि को आपको रात को करना चाहिए, बिल्कुल सोने से पहले। जब रात को आप अपने बिस्तर पर लेटें तो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, बिल्कुल शिथिल, यानी शवासन में। आपके शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। अपनी बॉडी को बिल्कुल डीप रिलैक्स में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करके थोड़ी देर विजुलाइज करें कि आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आपके शरीर की मांसपेशियां, शरीर के सभी अंग, चेहरे की मांसपेशियां, सब बिल्कुल शिथिल है। आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। बॉडी में किसी प्रकार की अकड़न, जकड़न या तनाव नहीं है। आप रिलैक्स हैं। ऐसे रिलैक्स जैसे मानो एक मुर्दा शरीर होता है। जब आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाए तो आप अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आएं और अपनी सांसों को अंदर बाहर आता जाता देखें। एक मिनट तक अपनी सांसों को आता जाता देखें। एक मिनट बाद ये भावना करें कि अब आपकी सांसें भी शांत हो रही हैं। फिर अपने विचारों को देखें, उन्हें शांत करें। विचारों से जुड़े ना, उनका विश्लेषण ना करें। जब तक विचार आते हैं उन्हें आते हुए देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी सांसों को आता जाता देख रहे थे, तो अपने विचारों को भी आता जाता देखें। धीरे धीरे आपके विचार भी शांत हो जाएंगे। तो जब आपका शरीर, आपकी सांस और आपका मन, विचार, मतलब आप पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर से अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आएं। अब आपको अपने भीतर एक गहरी भावना को जन्म देना है। अपनी हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ
आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है। सूक्ष्म शरीर के बाहर निकलने की भावना को गहरा करना है। इस भावना को गहरा करते जाइए। जब आप इतना गहरा उतर जाएंगे तब आपके लिए एक छोटा सा खतरा आ जाएगा, खतरा आपकी नींद का, कि जब आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं तभी आपको नींद आती है। तो अपनी इस स्टेज में आने के बाद आप धीरे से नींद में सरकने लगेंगे। बस यहां पर आपको थोड़ा सा होश साधना है, आपको अपने मन को जगा कर रखना है। जब आपका शरीर इस हद तक शिथिल हो जाएगा तब आपका शरीर तो सो ही जाएगा। बस आपको अपनी उस स्थिति को समझना है जहां आप लगभग सोने ही वाले हैं। बस एक हल्की सी आहट, जरा सा पैर खिसका, आप तुरंत नींद में चले जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बस यहां पर आपको एक हल्का सा होश साध के रखना है। असल में आपको ये पहले दिन होगा ही नहीं, आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस प्रैक्टिस को करते रहना है। तकरीबन एक महीने तक आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप नींद में चले ही जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपका शरीर सोया होगा और आप जागे होंगे। तो जब आप स्थिति तक पहुंच जाएंगे उसी दिन आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा और इस प्रयोग से आप पूरी तरह से होश में रहेंगे। आप देखेंगे कि आपका शरीर सोया हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर से कुछ निकला है जो ये सभी अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं या एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं।